यूक्रेन पर रूस के हमले के पिछले 10 दिनों से चलने वाले युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों में खरगोन जिले और सेगांव के समीप घेगांव का रहने वाला प्रतीक पाटीदार रविवार को अपने घर ग्राम पहुंचा, जहां अपने जिगर के लाडले बेटे को परिवार के बीच देख माता पिता और ग्रामवासी खुशी से खिल उठे। वतन वापसी पर प्रतीक से संवाद करने पर बताया गया कि मौत के मंजर को अपने सामने देख उम्मीद ही खत्म हो गई थी। रूस की चारों ओर से लगातार बमबारी में जिस प्रकार से मौत का तांडव चल रहा था, घर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे भूख प्यास से परेशान में और हमारी टीम कई किलोमीटर पैदल चले और निजी संसाधनों से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे, जहां पोलैंड सरकार की मदद से भारत की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई गई और हमें भारतीय दूतावास से दिल्ली पहुंचाया गया, जहां से राज्य सरकार द्वारा अपने घर तक भेजा गया। हम सभी छात्रों का भारत सरकार पर बहुत एहसान हो गया है, जो हम सब निश्चित ही चुकाएंगे। वहीं प्रतीक के गृह गांव वापसी लौटने पर ढोल ताशे से रैली निकालकर जगह जगह पुष्पहारों से रहवासियों द्वारा स्वागत भी किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आप कब आए यूक्रेन से? मैं यूक्रेन से परसों दिल्ली में आया हूँ, उसके बाद में दिल्ली से इंदौर तक हमारी फ्लाइट थी, तो रात को 10:30 बजे मैं इंदौर पहुँचा हूँ। और क्या क्या आपके साथ बीता, कितनी परेशानी है, कितना पैदल चलना पड़ा? हम लोग हॉस्टल्स के बंकर में रहते थे, वहाँ पर खाने और पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी शुरुआत दिनों में, तो हम लोगों को खाना जितना था हम लोगों के पास एडजस्ट हो गया। लास्ट में खाना और पानी वगैरह ख़त्म हो गया था, तो नल का पानी हम लोगों ने उबाल के पिया था। उसके बाद में जब हम लोगों को ऐसा लगा कि अटैक वगैरह की वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर वहाँ से निकलने की एक प्लान तैयार किया कि हम लोग एक साथ जाएंगे। हम लोगों को लगभग 1500 किलोमीटर जाना था, जहाँ से सरकार हम लोगों को बॉर्डर से मदद मिल रही थी उस बॉर्डर तक हमको कैसे भी करके पहुँचना था, जो कि हॉस्टल से हमारे रेलवे स्टेशन की दूरी थी लगभग 8 से 9 किलोमीटर। लेकिन वहाँ पर टैक्सी वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तो कोई भी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन नहीं था हम लोगों के पास। जो हम लोग रेलवे स्टेशन पैदल चलना पड़ा, तो लगभग शुरू में हम 9 किलोमीटर पैदल चले, तो 9 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग भारत का झंडा लेते हुए गए, तो बीच बीच में ब्लास्टिंग्स वगैरह हो रही थी, तो हम लोग छुप के रुकते गए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में मेरी एक 9 बजे वाली ट्रेन थी, वो मिस हो गई थी। मेरे कुछ दोस्त वगैरह 9 बजे वाली ट्रेन में चले गए। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वेट किया, और हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी क्या नहीं, तो हम लोगों ने थोड़ी सी पूछताछ की कि अलग मतलब भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ट्रांसलेट करके पता कि हम लोग कितने घंटे दहशत में रहना पड़ा। लगभग हम लोग 96 घंटे तक कंटिन्यू सफ़र किया हम लोगों ने, 96 आवर तक, लगभग 4 दिन तक हम लोग काफ़ी परेशान थे, जिसमें हम लोगों ने हॉस्टल से लेके तो पोलैंड बॉर्डर तक दिल्ली आने। सरकारों क्या भूमिका रही आपकी मदद के लेकर? जब हम लोग पोलैंड बॉर्डर पहुंच गए, तो हम लोगों को लगभग 11 घंटे हम लोग ठंड में खड़े थे, -8 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन जब फिर अंदर हम लोग गए, तो सरकार, केंद्र सरकार ने काफ़ी अच्छी मदद करी थी, वहाँ से हम लोगों की सारी थकावट दूर हो गई। पोलैंड बॉर्डर में एंटर होने के बाद में हम लोगों को होटल ले जाया गया, हम लोगों को खाना वगैरह खिलाया गया, सारे फ्रेश वगैरह, वॉशरूम वगैरह की सारी अरेंज की गई, नहाने वगैरह का, फिर सोने की सारी सुविधा वगैरह प्रोवाइड की गई। तो केंद्र सरकार की भी काफ़ी बहुत ही अच्छी वो थी, तो बस केंद्र सरकार का मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमें ऐसी चाय पिलाई है कि मतलब हम लोगों की ज़िंदगी सवर गई। तो हम भी 18,000 विद्यार्थी उनसे ये वादा करते हैं कि उन्हें ऐसी चाय पिलाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रतीक पाटीदार है, मैं खरगोन जिले के छोटे से गांव घेगांव से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।